17 साल की उम्र में मिस इंडिया बनने वाली मीनाक्षी शेषाद्री ने किया 90 के दशक की कई हिट फिल्मों में काम, लेकिन फिर भी हो गए गुमनाम। सुपरहिट फिल्म दामिनी की रिलीज को 28 साल पूरे हो गए हैं। इस फिल्म में ऋषि कपूर के साथ एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म मीनाक्षी के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। दामिनी के साथ ही कई हिट फिल्मों में काम करने वाले मीनाक्षी अचानक फिल्मी दुनिया से गायब हो गई थी। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ सुनी अनसुनी बातें। मीनाक्षी का जन्म 16 नवंबर 1963 को झारखंड के सिंदरी के एक तमिल परिवार में हुआ था। वे भरतनाट्यम, कथक समेत चार तरह के नृत्य कला में माहिर थी। मीनाक्षी ने मात्र 17 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीता था, जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। दामिनी, हीरो और घातक जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में अलग पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री आखिरी बार 1996 में आई फिल्म घातक में दिखी थी। उसके बाद से ना तो उनकी कोई फिल्म आई और ना ही वो किसी बॉलीवुड पार्टी या फंक्शन में नजर आई। एक्ट्रेस होने के साथ ही बेहतरीन क्लासिकल डांसर मीनाक्षी ने लगभग हर बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ काम किया। अमिताभ बच्चन से लेकर विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, अनिल कपूर जैसे बड़े फिल्म स्टार्स उनके हीरो रहे। कहा जाता है कि फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी उस वक्त अपनी ज़्यादातर फिल्मों में बतौर हीरोइन मीनाक्षी को ही लेते थे। इसका राज तब खुला जब एक दिन संतोषी ने मीनाक्षी से अपने प्यार का इजहार कर दिया। हालांकि मीनाक्षी ने संतोषी का प्रपोजल तो ठुकरा दिया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बॉलीवुड को भी अलविदा कह दिया। बॉलीवुड को अलविदा कहने के बाद मीनाक्षी ने हरीश मैसूर नाम के एक बैंकर से शादी कर ली। ये शादी न्यूयॉर्क में रजिस्टर कराई गई। दोनों शादी के बाद पूरे परिवार के साथ टेक्सास में रहते हैं। मीनाक्षी और हरीश के दो बच्चे हैं, एक का नाम केंद्रा और दूसरे का नाम जोश है। मीनाक्षी टेक्सास में डांस क्लास चलाती हैं और समय समय पर अपनी पूरी टीम के साथ इवेंट्स का हिस्सा बनती हैं। वे कई बड़े कार्यक्रमों में अपनी टीम के साथ डांस कर चुकी हैं। कुछ सालों पहले वे एक्टर ऋषि कपूर से मिली थी, लेकिन उनके बदले रूप को ऋषि भी पहचान नहीं सके थे। मीनाक्षी शेषाद्री 17 साल की उम्र में मिस इंडिया बनी थी। इसके बाद उन्होंने सुपरस्टार मनोज कुमार की फिल्म पेंटर बाबू के साथ बॉलीवुड डेब्यू किया था। इस फिल्म से मनोज कुमार के बेटे डेब्यू कर रहे थे। मीनाक्षी शेषाद्री का नाम पहले शशिकाल था, लेकिन बॉलीवुड में शशिकला नाम की एक एक्ट्रेस वैंट के रोल में फेमस हो चुकी थी। ऐसे में मनोज कुमार ने अपनी फिल्म की हीरोइन शशिकला का नाम बदलकर मीनाक्षी शेषाद्री कर दिया था। मीनाक्षी शेषाद्री बॉलीवुड की दमदार एक्ट्रेस होने के साथ ही 80 से 90 के दशक की शानदार क्लासिकल डांसर भी रही। अनिल कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक और सनी देओल तक इंडस्ट्री के तमाम बड़े स्टार्स के साथ काम करने वाली मीनाक्षी शेषाद्री अचानक स्क्रीन से गायब हो गई थी। मीनाक्षी शेषाद्री जब अपने परिवार के पीक पर थी, तब उन्होंने साल 1995 में बैंकर हरीश मैसूर से शादी कर ली। इसके बाद वो फिल्मों में कभी नज़र नहीं आई। शादी के बाद मीनाक्षी पति संग अमेरिका के टेक्सास में शिफ्ट हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मीनाक्षी शेषाद्री ने एक्टिंग को तो अलविदा कह दिया, लेकिन वे अब वहाँ क्लासिकल डांस और कथक सिखाती हैं। मीनाक्षी शेषाद्री ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है, जिनमें घातक, दामिनी, घायल, मेरी जंग और हीरो जैसे नाम शामिल हैं। सिनेमा जगत की सुपरहिट अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री आज 59 साल की हो गई हैं। 16 नवंबर 1963 को घनवाद में जन्मी मीनाक्षी हिंदी सिनेमा को काफ़ी समय पहले ही अलविदा कह चुकी है, लेकिन 80 और 90 के दशक में अभिनेत्री ने एक से एक हिट फिल्म दी। खास बात यह है कि अभिनेत्री सिर्फ हिंदी सिनेमा तक ही सीमित नहीं रही, उन्होंने तमिल और तेलुगु में भी शानदार काम किया, जिस वजह से वह बेशक सिनेमा और लाइमलाइट से आज दूर है, लेकिन फिर भी फैंस उन्हें फिल्मों के जरिए याद करना नहीं भूलते। आइए आपको आज अभिनेत्री के बारे में दिलचस्प बातें बताते हैं। मीनाक्षी शेषाद्री ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना नाम चमकाया। उन्होंने महज 17 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम कर लिया था, जिसके बाद ही मीनाक्षी की फिल्मों को ऑफर आने लगे। उन्होंने सिनेमा की दुनिया में फिल्म पेंटर बाबू से कदम रखा था, लेकिन उन्हें पहचान फिल्म हीरो से मिली। फिल्म में मीनाक्षी शेषाद्री के साथ जैकी श्रॉफ नजर आए
और फिल्म भी हिट साबित हुई, जिससे मीनाक्षी रातों रात सिनेमा जगत का चमकता हुआ सितारा बन गई। इसके बाद तो अभिनेत्री ने कई बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और अभिनेताओं के साथ काम किया। मीनाक्षी ने अपने करियर में दामिनी, घातक, घायल, घर हो तो ऐसा, आदमी खिलौना है समेत कई हिट फिल्मों में काम किया है। लेकिन करियर के दिनों में मीनाक्षी का नाम बॉलीवुड सिंगर कुमार सानू के साथ जोड़ा जाता था। खास बात यह है कि जब मीनाक्षी के साथ कुमार सानू का नाम जुड़ा था तब सिंगर शादीशुदा थे, इस वजह से दोनों खूब लाइमलाइट में रहे। लेकिन मीनाक्षी और कुमार सानू का रिश्ता किसी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। इसके अलावा डायरेक्टर राजकुमार संतोषी भी मीनाक्षी को बहुत पसंद करते थे। एक इंटरव्यू के दौरान राजकुमार संतोषी ने बताया था, हाँ मैं उनसे प्यार करता था और उन्हें शादी के लिए प्रपोज भी किया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। मीनाक्षी जब अपने करियर की पीक पर थी तब उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकर हरीश मायर से शादी कर ली थी और फिर दोनों 1995 में एक रिश्ते में बंध गए। करियर के टॉप पर होकर भी बी टाउन एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री ने ग्लैमरस वर्ल्ड को पीछे छोड़कर शादीशुदा जिंदगी जीने का फैसला किया। हालांकि इस निर्णय के पीछे एक ऐसी वजह का भी जिक्र किया जाता है जो उस समय चर्चा का विषय बन गई थी, तो वही इसका अंत दूसरों के लिए सबक बना था। प्यार कभी भी कहीं भी किसी से भी हो सकता है, प्यार अंधा होता है, इस तरह की ना जाने कितनी बातें सभी ने लव को लेकर सुनी होगी। पर्दे पर भी इश्क करने वाले किरदारों को कुछ इस तरह से पेश किया जाता है कि लगता है जैसे इससे ऊपर कुछ नहीं। किरदार एक दूसरे को पाने के लिए किसी से भी भिड़ जाते हैं और अपनी हैप्पी एंडिंग पाते हैं। हालांकि रियल लाइफ में सभी को हैप्पी एंडिंग मिले और प्यार का अंजाम अच्छा ही हो ऐसा जरूरी नहीं। इसका एक उदाहरण बीते जमाने की पॉपुलर एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री की ज़िंदगी है। अपने ज़माने की बेहद खूबसूरत अदाकारों में शुमार की जाने वाली एक्ट्रेस के ना जाने कितने दीवाने थे। उनकी नेचुरल ब्यूटी देख लोग एक नज़र में दिल खो देते थे। हालांकि मीनाक्षी इस अटेंशन और फैंस के प्यार को बहुत ही अदब के साथ संभालती थी, लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसे लेकर कहा जाता है कि वो अदाकारा की इंडस्ट्री से विदा लेने का कारण बन गया। इंटरनेट खंगालोगे तो ऐसी सुर्खियों की भरमार मिल जाएगी जिनमें इनका जिक्र हुआ है। ये कुछ ऐसा था जो हर लड़की और यहाँ तक कि लड़कों के को भी रिलेशनशिप को लेकर सबक दे सकता है। बैक टू बैक हिट सॉन्ग्स देकर इंडस्ट्री में छा जाने वाली कुमार सानू ने जब पहली बार मीनाक्षी को देखा तो वह उन्हें दिल दे बैठे। उस दौरान वे पहले से शादीशुदा थे। इसके बाद जो हुआ उसे लेकर अलग अलग बातें कही जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये सिंगर का एक तरफा प्यार था तो कुछ दोनों के ही इस रिश्ते में शामिल होने की बात करते थे, लेकिन अंजाम जो हुआ उसने कई लोगों की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। एक और जहां कुमार सानू का पहली पत्नी से तलाक हो गया तो दूसरी और मीनाक्षी करियर के टॉप पर होते हुए भी उसे अलविदा कह गई और शादी कर यूएसए में जा बसे। कहते हैं प्यार पर किसी का बस नहीं चलता, लेकिन क्या इसके नाम पर सब कुछ जायज़ है? शायद नहीं। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन इससे किसी का घर उजड़ जाए तो किसी भी तरह से सही नहीं है। जैसे कुमार सानू के मामले में चाहे प्यार एक तरफा रहा हो या दो तरफा, लेकिन इसकी कीमत जिसने चुकाई वह थी उनकी पत्नी। उनकी इस पूरे मामले में बिल्कुल भी गलती नहीं थी, पर सबसे ज़्यादा दुख उन्हीं के हिस्से में आया। इसमें कोई दो राय नहीं कि इंसान होने के नाते व्यक्ति किसी न किसी के प्रति आकर्षित हो सकता है, लेकिन उसे बढ़ावा देना या नहीं उसका फैसला भावनाओं के आवेश में आकर कभी नहीं करना चाहिए। अगर इमोशंस का हावी होकर फैसला किया जाए तो कभी कभी उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अगर उन रिपोर्ट्स के माने जिनमें कहा गया कि मीनाक्षी का शादीशुदा संगर के साथ करीब 3 साल तक का रिश्ता चला था और अंत में ये करियर को छोड़ देने की वजह बना, तो ये सबके लिए सबक है। इस तरह के रिश्ते ना तो समाज स्वीकार करता है, ना ही आपके अपने इसे सपोर्ट करेंगे। एक और ये ज़बरदस्त तनाव को जन्म देगा और दूसरी ओर मेहनत से बना करियर भी डूब जाएगा। इससे एक पल का ऐसा महसूस होगा जैसे ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव बचा ही नहीं है। ये भावना आपकी हैप्पी लाइफ को उलट कर रख देगी। मीनाक्षी ने ब्रेकअप के बाद अमेरिकन इन्वेस्टर हरीश मैसूर से शादी की। वे यूएस जाकर बस गई और पुरानी बातों को भूलकर अपनी लाइफ को न्यू टर्न दिया।
आज की तारीख में पति और बच्चों के साथ हैप्पी लाइफ जी रही हैं। वहीं कुमार सानू ने दूसरी शादी की, जिसके बाद उनकी दो बेटियां हुई। दोनों ही सितारे अपनी अपनी ज़िंदगी को नया रूप देने में कामयाब रहे। ये सेकंड चांस सभी को मिले जरूरी नहीं है। रिलेशनशिप एक्सपर्ट भी मानते हैं किसी शादीशुदा व्यक्ति के साथ रिश्ते में आना बहुत ही चैलेंजेस होता है। ये सिर्फ दो लोग नहीं बल्कि कई जिंदगियों पर असर डालता है। इसके बाद लाइफ खुशियों के ट्रैक पर बनी रहेगी या नहीं, इसे लेकर सिर्फ चांस ही लिया जा सकता है। मीनाक्षी सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और प्रशंसकों के लिए तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। अपने लेटेस्ट पोस्ट में वो बैठी हुई हैं और डांस पोज दे रही हैं। तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा है डांस पोज।